In this lecture, we discussed two lectures, lecture 1 and lecture 2. Both lectures are for vectors, and here we will discuss vectors because we want to do electromagnetic field theory, or in electromagnetic field theory we use divergence, curl or gradient. So you have to know what is these quantities. Before this, we want to know what is vectors or scalars. So lecture 1 is the basic idea of vectors and scalars, and in second lecture we will discuss the divergence, curl and gradient. So in this lecture, scalar and vector quantity, addition of vector, scalar product of vector, vector product of vector. So first we want to know what is scalar quantity or scalar. So scalar quantities are those quantity which has magnitude only and has no direction in space. जिसमें सिर्फ magnitude होता है जिस quantity में और direction नहीं होती है उसको हम scalar quantity बोलते हैं. और examples क्या है scalar quantities के, जैसे length हो गया, mass हो गया, temperature हो गया, volume हो गया, इन सब का हम magnitude देखते हैं कि इतना mass है, कितनी length है. हम कभी direction की बात नहीं करते हैं कि किस direction में है या क्या डायरेक्शन है. तो जब हम इस क्वांटिटी को मेजर करते हैं तो हम सिर्फ मैग्नीट्यूड देखते हैं. तो दीज क्वांटिटीज आर स्केलर क्वांटिटीज, लेंथ, टेम्परेचर, वॉल्यूम, मास एक्सेट्रा, टाइम. वेक्टर क्वांटिटीज और वेक्टर्स, दोज क्वांटिटी विच हैव बोथ डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड. Those quantities are known as vector quantities. इसमें magnitude और direction दोनों होती है, उसको हम vector quantity बोलते हैं. जैसे displacement, displacement हम measure करते हैं तो हम direction की बात उसमें करते हैं कि कहाँ start हुआ, कहाँ end हुआ, तो end point और starting point के बीच की distance दिखते हैं, displacement दिखते हैं, ना कि हम पूरा जो path travel करके आए उसकी बात करते हैं. अगर पूरे path को हम बात करेंगे तो वो हमारा scalar quantity है, लेकिन जहां से स्टार्ट हुआ और जहां एंड हुआ अगर उसके बीच की बात करेंगे तो वो हमारा वेक्टर क्वांटिटी हो जाएगा. वेलोसिटी, वेलोसिटी में टाइम, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होती है. एक्सीलरेशन, फोर्स, फोर्स में भी किस डायरेक्शन में हम फोर्स पुट कर रहे हैं मैग्नीट्यूड के साथ साथ वो होता है. तो इस क्वांटिटी को हम वेक्टर क्वांटिटी बोलते हैं. एडिशन ऑफ वेक्टर, हम वेक्टर को कैसे ऐड करते हैं. तो देयर आर टू मैथड्स ऑफ एडिशन ऑफ वैक्टर. फर्स्ट इज ट्रैंगुलर मैथड, सेकेंड इज पैलोग्राम मैथड. जो हम यहाँ पे रिप्रेजेंटेशन दिखा रहे हैं ये इसका पिक्टोरियल फॉर्म है, ग्राफिकल मैथड है कि ग्राफिकल मैथड में हम वैक्टर्स को कैसे ड्रॉ करते हैं. और सिंपल अगर हमें वैक्टर्स इन टर्म्स ए बी सी या कॉन्स्टेंट में कुछ दिया है उसको कैसे ऐड करेंगे हम वो भी देखेंगे. तो पहले हम पिक्टोरियल फॉर्म में हम कैसे, या ट्रैंगुलर फॉर्म में हम कैसे बनाते हैं, पैलोग्राम्स में कैसे बनाते हैं वैक्टर्स एडिशंस वो देखते हैं. तो इन ट्रायंगुलर फॉर्म वी हैव टू ड्रॉ वेक्टर ए, देन ड्रॉ वेक्टर बी ऑन द हेड ऑफ द वेक्टर ए. फर्स्ट वी ड्रॉ वेक्टर ए एंड एट द हेड वी ड्रॉ वेक्टर बी, एंड हेड ऑफ वेक्टर बी एंड टेल ऑफ वेक्टर ए इज कनेक्टेड. फ्रॉम टेल ऑफ वेक्टर ए वी कनेक्ट अ हेड ऑफ वेक्टर बी. दिस रिजल्टेंट इज एडिशन ऑफ वेक्टर these two vectors. This first we draw vector A, at the head of vector A we draw vector B, at the tail of vector A we draw a resultant and connected this at the head of vector B. This resultant is vector A plus B. Second method is parallelogram method. In parallelogram method what we have to do, first we draw vector A, then draw vector B at the tail of vector B, means the origin of both vector is same, and draw a parallelogram. The diagonal of this parallelogram is the resultant of vector A plus B. Theta is the angle between vector A and B, or alpha is the angle of resultant from A. Parallelogram law. Now these are the how we draw
ट्रायंगुलर मेथड और हेड टू, दिस इज आल्सो नोन एज हेड टू टेल मेथड. सो हाउ ड्रॉ वेक्टर, फर्स्ट यू हैव टू ड्रॉ वेक्टर यू, देन फ्रॉम द हेड ऑफ द वेक्टर यू वी हैव टू ड्रॉ अ वेक्टर वी एंड द टेल ऑफ वेक्टर यू एंड हेड ऑफ द वेक्टर ए इज कनेक्टेड, दिस इज यू प्लस वी. इन दिस मेथड पैरेललोग्राम मेथड वी ड्रॉ अ वेक्टर ए एंड यू एट द सेम पॉइंट और इनिशियल पॉइंट एंड कंप्लीट अ पैरेललोग्राम, द डायगोनल इज रिप्रेजेंटेड बाय द यू प्लस वी वेक्टर. लेट अस टेक एन एग्जांपल फॉर एडिशन ऑफ वेक्टर. लेट वेक्टर ए इक्वल टू 2i प्लस 4j प्लस 6k एंड वेक्टर बी इक्वल टू 3i माइनस 2j प्लस 6k. नाउ वी ऐड दिस टू वेक्टर्स ए प्लस बी. सो ए प्लस बी इक्वल टू 2i. First we write a vector a and then we write plus sign vector b. How we add two vectors? Simple, i term ko hum i ke saath add karte hain, j term is added by j term and k term is added with k term. So simple addition hai. Bas hume kya kya dhyan rakhna hai ki j ko hum j ke saath add karte hain, k ko k ke saath aur i ko i ke saath. So 3 plus 2 5i plus 4 minus 2 is 2j and 6 plus 6 is 12k. Simple addition है. Subtraction करेंगे तो plus की जगह हमारा subtraction का sign यानी minus sign आ जाएगा. Product of two vectors. Product of two vectors. हम जब दो vectors का product करते हैं, दो तरह के product होते हैं, dot product and cross product. Dot product को हम scalar product भी बोलते हैं और cross product को हम वेक्टर प्रोडक्ट भी बोलते हैं. क्यों बोलते हैं? क्योंकि जब हम स्केलर प्रोडक्ट या डॉट प्रोडक्ट करते हैं, उसका जो रिजल्टेंट आता है वो हमारा स्केलर क्वांटिटी आता है. जब हम क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं टू वेक्टर्स का, तो जो उसका रिजल्टेंट आता है वो वेक्टर क्वांटिटी आता है, इसलिए उसको हम वेक्टर प्रोडक्ट करते हैं. कैसे करते हैं? सबसे पहले डॉट प्रोडक्ट देते हैं, स्केलर प्रोडक्ट. ए डॉट बी इक्वल टू ए बी कॉस थीटा. वेक्टर ए ड्रॉ किया, जिस एंगल पे हमारा बी वेक्टर था वो ड्रॉ किया, बी का कंपोनेंट ए की डायरेक्शन में लिया, बी कॉस थीटा. तो ए डॉट बी इक्वल टू ए बी कॉस थीटा. ए बी क्या है? ये हमारा मैग्नीट्यूड है. क्रॉस प्रोडक्ट कैसे करते हैं? वेक्टर ए ड्रॉ करा, वेक्टर बी ड्रॉ किया, जो हमारा इनका क्रॉस प्रोडक्ट आया वो इन दोनों के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, दैट इज ए क्रॉस बी आया. अभी हम इसको करके देखते हैं सॉल्व कैसे आएगा. तो ए क्रॉस बी इक्वल टू ए बी साइन थीटा एन कैप. एन कैप इसकी डायरेक्शन, किस डायरेक्शन में हमारा ये रिजल्टेंट आया. डॉट प्रोडक्ट, हाउ वी फाइंड द एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स. हम डॉट प्रोडक्ट के थ्रू या स्केलर प्रोडक्ट के थ्रू जो है कैसे हम एंगल फाइंड कर सकते हैं. ए बी मतलब ए डॉट बी वेक्टर है इक्वल टू ए बी कॉस थीटा. सो कॉस थीटा इक्वल टू ए डॉट बी ए बी. ए बी मैग्नीट्यूड है और ए डॉट बी टू वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट है. अब हम दो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट करके देख लेते हैं. लेट कंसीडर अ वेक्टर ए 2i प्लस 4j प्लस 6k and vector b equal to 3i minus 2j plus 2k. We want to calculate a dot b. How we calculate a dot b? We write a vector a dot vector b. हमने दोनों वेक्टर्स को लिख लिया. उसके बाद हम क्या करते हैं, जो हमारा ये टर्म है इसको तीनों के साथ डॉट प्रोडक्ट लेते हैं. मीन्स 2 इंटू 3 i डॉट i माइनस 2 इंटू 2 आई डॉट जे प्लस 2 इंटू 2 आई डॉट के. सिमिलरली ये जो टर्म है ऐसे ही तीनों के साथ हम मल्टीप्लाई लेंगे और ये टर्म भी हम तीनों के साथ मल्टीप्लाई में लेंगे. फिर क्या याद रखेंगे, जो हमारा आई डॉट आई होता है, अगर हम आई को आई के साथ डॉट प्रोडक्ट करते हैं तो 1 आता है. अगर i को j के साथ डॉट प्रोडक्ट लेंगे तो 0 आएगा और j को k के साथ डॉट प्रोडक्ट लेंगे तो 0 आएगा. इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या है, i डॉट i, j डॉट j, k डॉट k इक्वल टू 1 होता है. उसके अलावा जो भी हमारे डॉट प्रोडक्ट होते हैं कि आई डॉट जे, जे डॉट के डॉट आई, के डॉट जे इज इक्वल टू
जीरो। तो हमने सेम सब तीनों टर्म को तीनों के साथ मल्टीप्लाई किया, बट आई डॉट आई वाली वैल्यूज ले ली, जे डॉट जे वाली वैल्यू ले ली, के डॉट के वाली वैल्यू ले ली, अदर्स वैल्यूज बिकम जीरो। सो टू इंटू थ्री आई सिक्स, आई डॉट आई वन हो गया। फोर माइनस टू दैट इज टू, फोर इंटू टू एट माइनस एट, प्लस सिक्स इंटू टू ट्वेल्व, दिस बिकम सिक्स। सो ए डॉट बी इक्वल टू टेन, दिस इज स्केलर। सो डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वैक्टर्स, द रिजल्टेंट इज स्केलर क्वान्टिटी, देयर फोर इट इज ऑल्सो नोन एज स्केलर प्रोडक्ट। स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर, तो ड्रॉ वेक्टर ए, प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर बी ऑन ए डॉट बी इक्वल टू ए बी कॉस थीटा। द स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर इज रिटन एज ए डॉट बी, इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज डॉट प्रोडक्ट, ए डॉट बी ए बी कॉस थीटा, थीटा इज द एंगल बिटवीन ए एंड बी। अप्लाइड टू वर्क दिस मीन्स डब्ल्यू इक्वल टू एफ डेल आर कॉस थीटा, एफ डॉट डेल आर। Similarly, if the angle between these two vectors, force and displacement, is zero, angle between these two is zero, then work done is maximum. Maximum work done होगा, maximum displacement होगा, maximum force लग रहा होगा, जितना force लग रहा होगा उसके according displacement हो रहा होगा और work done पूरा हो रहा होगा। अगर जैसे जैसे angle increase होगा work done हमारा कम होता जाएगा। वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स और क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स, जो हमारा क्रॉस प्रोडक्ट होता है हम उसको राइट हैंड रूल से भी कहते हैं। हमारा जो ये है, ये हमारा वेक्टर ए बताता है, ये हमारा वेक्टर बी बताता है, और जो हमारा थंब होता है वो वेक्टर, इसकी जो डायरेक्शन है ए क्रॉस बी यानी कि सी वेक्टर बताती है, इक्वल टू ए क्रॉस The cross product of two vectors says something about the how perpendicular they are. Magnitude theta is a smaller angle between these two vectors. Cross product of any two parallel vectors is zero. अगर cross product है तो sin theta अगर है, ठीक है, तो अगर दो cross product जो है zero आ रहा है तो वो parallel vectors हैं, ठीक है, parallel vectors का जो cross product है zero है। Cross product is maximum for perpendicular, अगर दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर है तो क्रॉस प्रोडक्ट मैक्सिमम आएगा। क्रॉस प्रोडक्ट कार्टेशियन यूनिट्स क्या है हमारी, देखो ए क्रॉस बी इक्वल टू ए बी साइन थीटा, हमारी कार्टेशियन जो है ये है ए क्रॉस जे इक्वल टू के। अगर आपको ये ध्यान है हम इसको ऐसे ड्रॉ कर देते थे, थ्री डायमेंशन एक्सिस के अकॉर्डिंग हमने कोऑर्डिनेट एक्सिस बना दिए, तो I, J एंड K, I क्रॉस J इक्वल टू K, J क्रॉस K इक्वल टू I, K क्रॉस I इक्वल टू J, इन रिवर्स ऑर्डर माइनस साइन इज इंक्लूड। I क्रॉस I, J क्रॉस J, K क्रॉस K इक्वल टू जीरो। डॉट प्रोडक्ट में I डॉट I, J डॉट J, K डॉट K वन होता है, क्रॉस प्रोडक्ट में ये जीरो हो जाता है। वहां पर आई डॉट जे जीरो होता है, यहाँ पर आई क्रॉस जे के इक्वल हो जाता है, ये पॉइंट याद रखने का है होता है, ठीक है। और अब हम बात करते हैं कि अगर हम ए क्रॉस बी करते हैं तो डायरेक्शन सी है, अगर हम सी क्रॉस ए करेंगे तो माइनस सी आएगा, तो अपोजिट डायरेक्शन में आएगी वैल्यू, बट मैग्नीट्यूड सेम होगा बट माइनस साइन अपोजिट डायरेक्शन में हो जाएगा। सी परपेंडिकुलर टू बोथ ए एंड बी, राइट हैंड रूल, प्लेस ए एंड बी टेल टू टेल, राइट हैंड नॉट लेफ्ट हैंड, फोर फिंगर्स आर पॉइंटेड आउट द फर्स्ट वेक्टर ए, स्वैप ऑफ फर्स्ट वेक्टर ए इन टू सेकेंड वेक्टर बी थ्रू द स्मॉलर एंगल बिटवीन दैम, द योर outstretched thumb point out the direction C. Okay.
और अगर हम बी क्रॉस ए कर रहे हैं तो डायरेक्शन रिवर्स हो जाएगा, ऑब्वियस है, ऐसे हो जाएगा। नाउ फ्यू एमसीक्यूज ऑफ वेक्टर्स, वेरी बहुत सिंपल सिंपल सी हैं, आप इजीली कर लेंगे। द क्वांटिटी व्हिच हैज ओनली मैग्नीट्यूड इज कॉल्ड, इसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, स्केलर क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी, केमिकल क्वांटिटी और मैग्नीट्यूड क्वांटिटी, स्केलर क्वांटिटी। फोर्स इज द वेक्टर क्वांटिटी, ट्रू और फॉल्स? फोर्स इज द वेक्टर क्वांटिटी, डायरेक्शन इंक्लूड होती है। तो विच इज द मैग्नीट्यूड ऑफ यूनिट वेक्टर? जीरो मैग्नीट्यूड, नो मैग्नीट्यूड, कॉन्स्टेंट बट नॉन जीरो और यूनिटी? तो आंसर इज यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड यूनिटी होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज जीरो मैग्नीट्यूड? फिक्स वेक्टर, जीरो वेक्टर, मॉडुलस ऑफ वेक्टर, यूनिट वेक्टर? तो जीरो मैग्नीट्यूड जीरो वेक्टर का और नल वेक्टर का। दीज आर फ्यू न्यूमेरिकल्स, वेरी सिंपल 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 न्यूमेरिकल्स। द पोजिशन ऑफ पार्टिकल इन रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम 3, 2, 5, वॉट इज द पोजिशन वैक्टर विल बी? सिंपल है, 3i + 2j + 5j, ऑप्शन 1 इज करेक्ट ऑप्शन। आर सेकेंड क्वेश्चन इज वॉट इज द डिस्प्लेसमेंट वैक्टर ऑफ द पार्टिकल दैट मूव फ्रॉम पॉइंट पी टू पॉइंट क्यू? पी पॉइंट इज 2, 3, 5 एंड क्यू पॉइंट इज 3, 4, 5। सो हाउ वी कैलकुलेट द डिस्प्लेसमेंट बिटवीन टू वैक्टर्स? सो फर्स्ट वी राइट वैक्टर पी and then vector q, or displacement means the distance between these two points. So q to p, subtract q to p, then option, first we have to write vector p, p vector is 2i + 3j + 5k, q vector is 2i + 4j + 5k, and subtract from q to p, so 3 - 2 1i, 4 - 3 + j, 5 - 5 0, so option 3 is correct option, i + j. So here's we end this lecture. In next lecture we will discuss the gradient, divergence and curl of vectors, and Green's, Gauss and Stoke theorem, Gauss divergence theorem and Stoke theorem statement. So goodbye.